को धन्यवाद कि आप एक शॉर्ट नोटिस में मेरे पंचायत कार्यालय में आए। आज की जो पत्रकार वार्ता है उसका उद्देश्य है कि एक साल पहले आज के दिन मेरे ग्रामवासियों ने मुझे सरपंच के पद पे यहां आसीन किया था। एक जिम्मेदारी मिली थी मुझे कि मैं गांव की सेवा कर सकूं। मेरे सारे पंचायत में मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे पंच, हमारे ग्राम विकास अधिकारी और हमारे गांव वालों के साथ मिलकर हमने पिछले एक साल में, क्योंकि आज ही के दिन मैं इस कुर्सी पे बैठा था मेरे गांव वालों के सहयोग से, और एक साल में हमने कोशिश की कि विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य उनको गति दी जाए। हालांकि इस प्रोसेस में वैश्विक महामारी कोरोना भी रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम कम हो पाए, फिर भी आप सबके सहयोग से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा बजट का क्रियान्वयन हो, मैं लेके आऊं विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों द्वारा लोक कल्याणकारी काम करूं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले एक साल में मेरे वर्तमान पंचायत के सरपंच, पंचगण, उपसरपंच महोदय, ग्राम विकास अधिकारी और समस्त स्टाफ के माध्यम से हमने टोटल 35 काम की स्वीकृति ली है, जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति और राज्य सरकार की योजनाएं शामिल हैं। इन 35 कामों में जो तीन मेजर काम है उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। 48 लाख 10 हजार रुपए का हमने नया पंचायत भवन स्वीकृत, जो हमारा मार्केट में पंचायत भवन है उसी जगह पे नया पंचायत भवन की स्वीकृति ली है। और ये माननीय सीईओ जिला परिषद झुंझुनू से स्वीकृत हो चुका है और बहुत जल्दी हम इस काम को शुरू करने वाले हैं। दूसरा जो मेजर काम है इसी कड़ी में 48 लाख के बाद में एक नवीन नर्सरी हम स्थापित कर रहे हैं, जिसमें समस्त पंचायत, जो 46 हमारी पंचायतें हैं, उनको भी हम उसका लाभ देंगे। नवीन नर्सरी तकरीबन एग्जैक्ट फिगर है 25 लाख 4 हजार रुपए का ये काम हमारा स्वीकृत हो चुका है।